हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक बार से फिर से हम लोग जाने वाले हैं स्वीक, और आज आई थिंक 10th और 9th रमजान। सो उन्होंने हमें अपनी इफ्तारी पे बुलाया। आ जाए। और यान बोल रहे हैं मैं आ जाऊँ वीडियो में। हमने कोई 8 से ज़्यादा बार वीडियो बना ली है, 8-9 टाइम हमने बना ली, लेकिन सही तरह से बन ही नहीं रही थी। उठ जाओ यान, उठ जाओ। आप उठाए नहीं जा रहे मेरे से। यान हंस के दिखाओ मुझे। आज हम फाइनली जा ही रहे हैं, जा चुके गए। कहाँ जा रहे हैं? आपने नहीं आती भी किसी देने ओके। सो मैजिक नहीं दिखाना आज? नहीं, चलो जाओ, मैं खुद दिखा दूंगी। जाओ मैं मैजिक दिखा दूंगी। ओके, सो मैजिक दिखाएं। 3-2-1, ये देखिए हमारा मैजिक। ओके, सो हम लोग रेडी हो गए। यान, हाउ डू आई लुक टुडे? मैं कैसी लग रही हूँ आज? कैसी लग रही है यान? ओके, सो सुबह हम लोग 11 बजे क्यों उठे हुए? हम 11 बजे क्यों उठे थे? बिकॉज मामा और पापा गए हुए थे शॉपिंग करने, मुझे और यान अपने बच्चों को घर पे छोड़ के। यान उठ कर रोने लग गया, मैं यान के साथ जाकर लेट गई यान के रूम में, बिकॉज मामा गई हुई थी। तो यान बोलता है मामा दूध पीने, मैं उठी तो यान रोने लग गया मुझे। तो मैं दिखाती हूँ आपको मामा सुबह शॉपिंग में क्या लेकर। अच्छा, बस और ये 3 ड्रेस लेकर आई थी अपने लिए, जो कि वीडियो में आई थिंक ले आ रहे होंगे आपको नजर। तो ये सुबह मामा लेकर आए थे, उन्होंने पाकिस्तान से भी काफी ज्यादा मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने सिलवा लिए थे तब उन्हें और चाहिए थे, सो वो और लेकर आई है। तो कल आपने देखा कि अभी जो मामा कपड़े लेकर आई हैं, कौन से लेकर आई थी? तो कल हम लोग गए हुए थे सेब, किसी ने नहीं, हमारे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे उनके, उन्होंने हमें अपनी इफ्तारी पे इनवाइट किया हुआ था। तो पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखी होगी मैं दिखाई थी रिताज, तो उनके घर हम गए हुए थे इफ्तारी पे। पहले हमने उन्हें बुलाया, फिर उन्होंने हमें बुलाया था। और उन्हें जब पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन जब उन्हें मैंने बताया तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने उनके घर जाते भी व्लॉगिंग करनी थी, लेकिन मैंने नहीं की, मुझे लगा कि शायद वो माइंड कर जाएं मैं उनके घर पे जाकर व्लॉग करूं। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि बेटा जब आपने व्लॉग नहीं बनाना, व्लॉग बनाना, तो आई एम रियली सॉरी आंटी, मैंने उस दिन व्लॉग नहीं बनाना था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको कैसा लगेगा, मुझे लगा कि वो माइंड कर जाएंगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया था। सो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी मैं उनके घर व्लॉग बनाऊंगी। और उन्होंने बोला जैनब मैं तो तुम्हारी फैन हो गई, बोलती जैनब मैं तो आपकी फैन हो गई, उनके बेटे भी बोलते, लेकिन जी नहीं आंटी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप खाने बहुत टेस्टी बनाती हैं, मैं आपकी खानों की बहुत बड़ी फैन। ओके सर, मैं उनकी तारीफ करूंगी ना मैं अपने, और हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे से। और अब मैं जाने लगी हूँ, सो थैंक गॉड यान मेरे पास अभी मेरे साथ नहीं है, और मैं रिलैक्स होकर ब्लॉग बना रही हूँ। मामा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जैनब के चाचू के घर जा रहे हैं, और सुबह तक निकल के फिर हमारी वापसी होगी। आपको भी, आपने बच्चों वाला मास्क लगाया हुआ है? वो दूसरे ना फिनिश हो गए थे, तो मुझे यही पकड़ा, मैंने कहा नहीं अंदर पड़े हुए हैं, फिनिश हुए सूर्याल देने से बेहतर फिनिश तो नहीं हुए, फिनिश नहीं हुए, लेकिन जो मिला बस वो मुंह पे पहन लिया, ये बताएं गाड़ी में जाकर चेंज कर लूंगी। चले ठीक है, ऐसे निकल गया और अब मैं गाड़ी में जाकर बैठने लगी हूं। मैं भी छुपा डैडी।
मम्मी है। सो फाइनली हम लोग 1.5 घंटे के बाद स्वीक पहुंच गए हैं और मैं आप लोगों को स्वीक का बाजार भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो हम उनके घर पे आ गए हैं और अभी हम जो हैं इफ्तारी का वेट कर रहे हैं। कब जानोगी, बिकॉज आज रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। 2 घंटे हमें लगे थे मथुरा से यहाँ पे आने में। तो मैं आपको दिखाऊंगी अब शहरी कह रही हूँ इफ्तारी में, और इफ्तारी के में मैं लेंस ऊपर जा रहा है मेरा इफ्तारी, और इफ्तारी के बाद फिर से। ओके, तो ये हमारी इफ्तारी और मैं अब आप लोगों को मिलूँगी इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह शहरी में।
ओके वेट फॉर इज दिस, ये क्या था? ये हम लोग देख रहे थे मेरे चाचू की शादी की मूवी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सो हम लोग वो देख रहे थे, मेरे पे इतने ज़्यादा मीम्स बन रहे थे, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बट कोई बात नहीं, बचपन था वो। अभी आज मैं फर्स्ट टाइम सैलरी में इतनी ज़्यादा फ्रेश हूँ, बिकॉज मेरे साथ आज अहमद है, कोई बुलाता ही नहीं मुझे यार, और लाइट बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से मैं बहुत थोड़ी सी अजीब लग रही है। अभी 3:30 हो रहे हैं, हम सहरी करने लगे हैं, और सहरी करने लगे तो सहरी में क्या खाएंगे, क्या करेंगे, सब खाऊंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज फाइनली मेरा सहरी तक आज लोग बन रहा है। सो या बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। अहमद ने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन अहमद सोए नहीं है अभी तक। नहीं अहमद बुरी बात है, उस टाइम कॉकरोच नहीं बैठा था, मुझे फोन से मार रहा है। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज सहरी तक व्लॉग नहीं हो सका और मैं वापस घर चली गई थी। सहरी के टाइम पे नींद इतनी आ रही होती है कि यू गाइस कांट इमेजिन। मेरी तो कोशिश होती है कि सहरी तक व्लॉग जाए, लेकिन नहीं जा पाता, बट इट्स ओके, इंशाल्लाह। मैं पक्का प्रॉमिस तो नहीं कर रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी व्लॉग बनाऊंगी तो सहरी तक जाएगा इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलना, एंड टेक केयर।